डॉक्टर के पास जाना है। एक औलाद है अंकल, पैसा क्या करोगे? बाउंड्री को घोलते हैं पानी में, उसे गर्म करते हैं। डॉक्टर साहब देंगे वो। चुप चुप जा। डॉक्टर साहब देंगे। बुला ले। हो गया है भाई संजू वाला हाल, ठीक है। मत इनको तू एटीएम कार्ड समझती है, तेरे बाप हैं। कोई पैसा के पेड़ नहीं। मैंने कुछ नहीं खाया, क्या अजीब जबरदस्ती है। इतने पैसे का कब्र में लेके जाओगे? कब्र के बाद भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकाश बादल एंटरटेनमेंट में। और दोस्तों मैं बता दूं, ये अनिल जी हैं, हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं। और इन्होंने जो सुबह हमें बात बताई, सुन के हमें शॉक्ड हुआ, जो कि इनके बेटी के लेकर रिलेटिव है। तो सर हम चाहेंगे कि आप खुद बता दीजिए हमारे घर को। जी हमारा एक छोटा सा परिवार है। अभी हाल ही में मेरी बीवी की डेथ हुई है। ओके। मेरी जो बेटी, इकलौती बेटी है, अभी उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है। ओके। 12th क्लास तक तो ठीक ठाक थी, जब तक मेरी वाइफ थी। सडनली मेरी वाइफ की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। 12th में बेटी के नंबर मार्क्स भी अच्छा गए। यूनिवर्सिटी में जैसे ही एडमिशन कराया तो थोड़े दिन तक तो ठीक ठाक चल रहा था, जैसे नॉर्मली बेटी बिहेव करती थी वैसे ही है। जैसे जैसे एक दो महीने बीतते गए तो मैंने देखा उसके नेचर में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। अच्छा। पहले हमेशा कूल रहती थी, आराम से जाती थी, आराम से आती थी ना। तो अब उसके उठने का कोई टाइम रह गया, डेली रूटीन सारी ख़राब हो गई है ना। वो सीधे मुंह बात करती है, घर से कुछ खा के नहीं जाती है। पहले हमेशा घर में ही खाती थी, घर से अगर कुछ पैसे भी चाहिए होते थे हमसे मांगती थी। अब तो देखने में आता है कई बार चोरी तक कर लेती है वो। हाँ। समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रही है। रात को ऐसे लगता है कि ड्रिंक करके आ रही है, बाहर से इतनी स्मेल आती है उसके मुँह से। पूछते हैं तो उल्टा हमारे को डांटने को पड़ती है। मेरी इकलौती बेटी है, परेशान हूँ मैं उसकी हरकतों से। उसका खर्चे सब कहाँ से आता है? खर्चा मैंने बताया ना अभी, जैसे पहले तो मनी पॉकेट बांध रखी थी, लेकिन वो भी कहती है और कम पड़ रही। मैंने पूछा किस लिए चाहिए तो कहती है आपको उससे क्या। पहले उसने कभी इस तरह से बात नहीं की। अब पता चला कि अभी कुछ बेच आती है, सोना निकाल लेती है। अब सोना इतना सारा हमारे, हम कहाँ तक संभाल के रखें। कभी पैसे निकाल लेती है। मतलब नहीं कोई लड़का, एक बेटी है। पहले ऐसे नहीं थी, अभी हुई है। कॉलेज जाते ही कुछ एकदम से चेंजेस आए हैं उसके अंदर। आपने समझाया नहीं बैठा के? मैंने बहुत समझाया। मैं क्या सब तुम्हारा ही है, क्या दिक्कत है? कोई तुम्हें डरा रहा है, धमका रहा है? कह रही है नहीं मेरी जो मर्जी मैं करना है कर, कोई दिक्कत नहीं, बता के तो कर। किसी फ्रेंड के साथ भी घूमने जाना है तो बता तो सही कम से कम। हमारे को बताती नहीं है, रूडली होती जा रही है दिन ब दिन। तो अपनी मनमानी करती है। अभी भी क्या करते, ये गई है कॉलेज की, जबकि आज संडे है। संडे को कौन सा कॉलेज होता है? सब पढ़ाई लिए सब छोड़ा दीजिए ना। पढ़ा कह रहे हैं, जब आपको लग रहा है पढ़ाएंगे नहीं तो फिर और बिगड़ जाएगी। इकलौती लड़की है, पढ़ाई छोड़ देगी तो क्या करेगी? बिजनेस, हमारा बिजनेस भी तो संभालना है ना। अच्छा कोई घर काम करो ना सर, आप कॉल करके बुलाओ, उनसे हम थोड़ी बात करते हैं, समझाएंगे। अगर समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। फिर देखो जरा, आप एक बार ट्राई करिए। आपकी सारा जो भी उम्मीद है उन्हीं से है। आप कॉल कर लो एक बार। हेलो पिनिया, संडे वाले दिन कहाँ बेटा? कौन से दोस्त के साथ? अच्छा एक काम करो, सोसाइटी का जो पार्क है ना वहाँ पीछे बैठा हूँ मैं, जहाँ ये बेंच वगैरह लगे हैं ना, वहाँ पर 2 मिनट के लिए आ जाओ जरा, फिर चले जाना अपने फ्रेंड के साथ जहाँ जाना हो। हाँ ले लेना, पैसे मैं दे दूँ। कितनी देर में आ रही हूँ? ठीक है बेटा आप आ जाओ, 5 मिनट में अभी आ रही है। 5 मिनट ठीक है सर। आप एक काम करो, आप ये माइक ले लो, उनसे आने दो, ठीक है? हम बात करेंगे उससे, आप बात करो एक बार, ठीक है? हम लोग भी आगे उससे बात करते हैं, समझाते हैं। अगर समझ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे। आप बुलाओ उसे, ठीक है? A few moments later. यहाँ क्यों बुलाया पापा? बेटा संडे वाले दिन कहाँ जा रहे हो? क्लास गई थी, आपको बताया तो था मैंने। संडे को कौन सी क्लास है बच्चे? मेरी क्लास है, मैंने आपको बोला ना मेरी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। तो तुमने पैसे मांगे तो सुबह, जब क्लास में जा रहे हो तो पैसे किस दे? बाहर ड्राइवर है, गाड़ी है, सब कुछ है, कैंटीन के लिए पैसे भी दे रखे हैं। हाँ तो मेरे को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, मेरे को मेरी बुक्स चाहिए। कौन सी बुक्स? अभी कल भी बुक्स लाए थे तुम। पापा मेरे को पैसे चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा है? बेटा चिल्ला क्यों रहे हो? बेटा पापा से कैसे बात करते, तमीज नहीं है? देखो कॉलेज में गया, सब कुछ भूल गए हो तुम। पापा से कैसे बात? बैठो यहाँ पे, बैठ के बात करो। मुझे नहीं बैठना, मुझे आप पैसे दो, मेरे को जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। कितने बजे तक आएगी? मैं रात तक आऊँगी। रात को कौन सी पढ़ाई होती है? अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ नोट्स बनाने बैठ के, आप मुझे पैसे पूरे दिन लगेंगे नोट्स बनाने में? हाँ मुझे पूरा दिन लगेगा। तो उसको घर बुला लो। नहीं मेरे को उसी के घर जाना है। कौन सी फ्रेंड के घर जाना? अच्छा उसका नंबर दे दो, हम बात कर लेते हैं उससे, एक बारी तसल्ली हो जाएगी ना, हमें भी तो पता चले हमारी बेटी किसके घर जा रही है। मेरे फ्रेंड्स से हमने एम्बैरेस फील करवाऊंगा कि मेरे पापा को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, ऐसे समझ लो। मैं नहीं दे सकती किसी का नंबर, आप मेरे को पैसे दो, मेरे को जाना है। तुम्हें अपने पापा पे ट्रस्ट नहीं है कि तुम बता नहीं सकते किसके घर जा रहे हो? तो मैं अपने दोस्त का नाम बता तो रही हूँ, मुझे साक्षी के घर जाना है बस। इसको एक बात करा दो कि अच्छा अंकल मेरे घर आ रही, मैं जाने दूंगा। मना तो नहीं कर रहा ना? ड्राइवर को नहीं ले जाना, मत ले जा बेटा, कोई बात नहीं। पैसे चाहिए एक की जगह 2 ले जा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन बाप को भरोसे में तो ले। पैसे किसके लिए? तेरे लिए ना। मैं उसके घर जा रही हूँ, मैं सुबह जाती हूँ, उससे बात तो करा दो। बात तो करा दो। हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं, रोज तुम्हें जाना होता है, रोज नोट्स बनाने होते हैं तुम्हारे को, तो बनाने तो क्या करूँ मैं? काम ना करूँगी, अपना पढ़ाई छोड़ दूँ? तो ऐसी कौन सी पढ़ाई जो दोस्त के घर जाके पूरी होती है? क्योंकि वो मेरी हेल्प करती है पढ़ने में। तो ऐसी कैसी हेल्प? टीचर रख लो घर पे। मुझे अपने दोस्त के साथ ही पढ़ना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो, मेरे को अभी जाना है, मैं लेट हो रही हूँ क्लास के लिए। कल से पहले हम कॉलेज में बात जाके बात करेंगे, फिर देंगे पैसे। आज नहीं जाना, आज नहीं जाना, आज नहीं जाना। आज क्यों नहीं जाना? मैं तो नहीं, मैं कह रहा हूँ, मना कर रहा हूँ, नहीं कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, आज नहीं जाना। कल पहले हमको तुम्हारी प्रिंसिपल से बात करेंगे, देखे कौन सी सैलरी है तुम्हारी जो तुम्हें रोज रात को 8,000 रुपये तक घर बुलाती है। ठीक है, मुझे पैसे चाहिए और अभी के अभी जाना है। ऐसे तो मिलेंगे नहीं पैसे। कैसे बात कर रहे हो पापा से? तमीज़ है बात करने की। देखो, मेरे को अपने फ्रेंड के घर जाना है, मुझे पैसे चाहिए। पहले ये बताओ, ये हाथ पे क्या से निशान बना रखे हैं? कोई तुम्हें कौन सी चोट लगी? दिखाओ जरा, ये चोट के निशान है। ये मैं बोल रही हूँ ना, चोट लग गई। कैसी चोट है? जो दो कदम पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कैसी चोट है? ये लग गई थी बस। कैसे लग गई थी बताओ? किसने मारा है तुम्हें? कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है कॉलेज में? तो बताओ, कोई तुम्हें तंग कर रहा है? कोई नहीं तंग कर रहा मुझे। नहीं लग तो रहा, फिर कांप क्यों रहे खड़े खड़े कांप क्यों रही है पापा के सामने? लेट हो रही हूँ जाने के लिए क्लास, प्लीज पैसे दे दो, मैं जा रही हूँ प्लीज। पैसे आज तो नहीं मिलेंगे ना, आज तुम आज जाओगे संडे। मेरे को किस लिए चाहिए पैसे ये बताओ? आप क्या करोगे इतने पैसे का? कब्र में लेके जाओगे? कब्र के बाद भी सब तुम्हारे हैं, कब्र में साथ नहीं जाएंगे। जब जरूरत होगी तब दूंगा, अभी नहीं। कितने चाहिए? कितने चाहिए? कौन सी बुक आती है 50,000 की? डॉक्टर की बुक्स नहीं आती 50,000 की। तुम्हें किस लिए चाहिए? अपनी फ्रेंड से उधार लेके खर्चा कर लिया था। कहाँ खर्चा कर लिया? क्यों नहीं बताया? कौन सी शॉपिंग करी? दिखाओ, सारी अलमारी में तुम्हारी नई नई ड्रेस पड़ी है। हाँ, तो वही तो खरीदी है। वो तो हमने दिलवा रखी है, उसने कहाँ से दिलवाई है? और भी बैग्स रखे हैं, आप देख लेना घर जाके। मेरे को पैसे दो जल्दी प्लीज। नहीं, ऐसे तो नहीं मिलेंगे, मेरे को पैसे चाहिए। आपको समझ नहीं आ रहा क्या? कैसे बात कर रही है? ये कांप क्यों रही है? तो खड़े खड़े क्या खाया तूने? कितनी स्मेल आ रही है मुँह से? क्या खा कर रही है सुबह सुबह? कुछ नहीं खाया मैंने। कुछ तो खाया, स्मेल आ रही है मुँह से। अरे मैं बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। क्या अजीब जबरदस्ती है? तो स्मेल किस चीज की है ये मुँह से? ये कांप क्यों रही है? मेरे को पैसे चाहिए अभी बस। नहीं, सच सच बता, कहाँ जा रही है पैसे लेके? बोला तो फ्रेंड के घर पढ़ने जा रही हूँ। फ्रेंड को बुला। मैं 50 की जगह 1,00,000 दूंगा, लेकिन फ्रेंड को बुला पहले। नहीं, मैं नहीं बुला रही अपनी फ्रेंड को। नहीं, फिर मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे पैसे। समझ नहीं आ रहा है? मैं कुछ गलत कर दूंगी, आप करके देख। मत करो, कुछ तो गलत है तेरे साथ। सच से बता दे, अभी बता दे। कोई तो कुछ कह रहा है तो बता दे, कोई गलत संगति में पड़ गई तो बता दे। मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा। मेरे को तो ये निशान कैसे हैं? ये बोला तो मुझे पता नहीं है कि निशान किस चीज के हैं, चोट के कैसे हैं, किस चीज के निशान है। एक काम कर, डॉक्टर के पास चलते हैं, वो बताएगा चोट के निशान कैसे हैं, कितने दिन में ठीक होंगे। क्यों डरती क्यों डॉक्टर के पास जाने से? डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। तो घबरा क्यों रही है डॉक्टर के नाम से? चोट ही है ना, चोट कौन ठीक करेगा? डॉक्टर ठीक करेगा ना। अपने आप कैसे ठीक हो जाएगी? मैं दवाई खा लूंगी। चलो पहले डॉक्टर के। चलो क्यों नहीं जाना? कैसे बोल रही है? नहीं जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास। क्यों? चोट है ना, ये चोट लगी ना यहाँ। दवाई खा लूंगी, मेरे को पैसे दे दो। दवाई डॉक्टर देगा, दवाई डॉक्टर ही देगा। डॉक्टर के पास नहीं जाना ना। क्यों नहीं जाना? धक्का कैसे दे रहे हो आप मेरे को? आपस में कैसे बात करते है? मतलब मैं बेटी हूं तो कुछ भी करेंगे। हां, कुछ भी करेंगे। चलो घर। अरे मुझे नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? कैसे बोल रहे हैं पापा से? ये नहीं मिलेंगे, मेरे को पैसे चाहिए। पैसे किसके? तुम्हारी ना। बैठ जाओ, नहीं समझ में आ रहा। बेटा क्या हुआ? तो क्या दिक्कत आ रही है? मुझे बस पैसे चाहिए। इतना गुस्सा पहले, इतना गुस्सा कभी नहीं आता था तुझे। चलो डॉक्टर के चलना। नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास। अरे बोला ना नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास। बैठो बेटा यहाँ पे। मुझे नहीं बैठना है। यहाँ बैठो। ये तेरे बाप है, कोई पैसा का पेड़ नहीं है, ठीक है ना? तू कौन है? बात सुन मेरा पहले, ठीक है ना? जितना बोल रहा हूँ पहले उतना सुन। ये तेरे बाप है। कौन है ये? अरे सुन, मारेंगे डॉक्टर। पुलिस है, समझ आया तेरे को? बोल रहा ना तेरे बाप है, पैसे के पेड़। तू जब जाके हिलाएगी और चुन के चले देगी, ठीक है ना? तू क्यों बोल रहा? तेरे से मांग रही हूं क्या? तू पैसा क्या करती है बे? मैं कुछ भी करूं तेरे से मांग रही हूं क्या? पैसे अपने बाप से मांग रही हूं। बाप से कोई इस तरह बात करता है? हां, जैसे तू बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? मेरे बाप को मेरे बीच का मैटर, तू क्यों बोल रहा है बीच में? बता दूं क्या मैटर है? बड़े हैं, थोड़ा तमीज से, सोसाइटी के मेंबर हैं ये भी। क्या बड़े कैसे बोल रहे हैं? तो आपकी ये बेटी है ना, ये तो समझ नहीं रही है कि आप इनके बाप हो। समझा रहे हैं भैया, नहीं समझ रहे। क्या कर रहे हो इनकी? क्या कर रहे हो? आप लोग कौन हो? आप किस बीच में बोल रहे हो? तुम कौन हो? इनको हमने बुलाया है। कहने के लायक हो? बेटी हो इनकी, हैं? माँ बने जा रही हो, चढ़े जा रही हो कब से? तो मेरे को मेरे कॉलेज के लिए पैसे चाहिए, मैं अपने पापा से मांग रही हूँ। आप लोग क्यों बीच में बोल रहे हो? कौन सा कॉलेज होता है ये बता दो हमें। आपको क्यों बताऊँ? कौन होता है? क्यों बताऊँ मैं? 50,000 में कौन सी किताब आती है? क्या करके आई है? आँख क्यों ला रहा है तुम्हारा? ये देखो क्या ये चोट के निशान है, ये चोट के निशान ऐसे होते हैं क्या? स्मेल भी आ रहा है इसके मुंह से, स्मेल बहुत आ रही है मुंह से। अभी सुबह के 8 बजे स्मेल आ रही है मुंह से। बोल ना, तू बोल क्यों नहीं रही है? खड़ा, तू क्या करके आई है अभी बता ना। कुछ नहीं करके आई मैं। तो तू ये कांप कैसे रही थी? तू नशा करके आई है अभी भी, तेरा आँख ही बता रहा है, ठीक है ना। तो ड्रेस देखो, ये फ्रेंड के घर जा रही है। पहले ड्रेस कपड़े भी अच्छे अच्छे पहनती थी, पूरे पूरे पहनती थी। कॉलेज का ड्रेस है, कॉलेज में सब अलाउ होता है। अबे हाथ का लगाई बे, हाथ का लगाई, हाथ का लगाई तुम्हारे घर में। हाँ बोल रहे ना, कोई नहीं जी मेरी बेटी, कोई नहीं। क्या करेगी, क्या तू क्या करेगी? बोल रहे ना, चिल्लाओ करेगी क्या? हाँ छोड़े, अभी लात उठाएंगे, अभी हाथ है ना छोड़े। अरे सर में मारेगी तो बात करने का ठीक लगेगा ना। अपने पापा से कोई ऐसे बात करता है? क्यों कर रही है सब? ये तुम्हारे भले के लिए ही आए हैं बेटा यहाँ पे। अभी तू नशा वशा कर रही है सब, कौन बोला करने के लिए? ये देखो अभी भी कांप रही है, ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है। सुबह सुबह पैक लगा के आई होगी। क्या क्या कर रही तुझे पता है? एक बेटी है, तू बेटा मन बना ना। सब तेरे लिए तो है, ऑफिस घर गाड़ी सब तेरी तो है, पैसा तेरा ही तो है। सर मन माती है तुम्हें? ये किसको बुला लिया है तुमने? तो तुम्हारे भले की बात कर रहे बेटा, सुन लो इनकी बात भी। अभी ना बताया कर लेंगे, सुन लेंगे, सुन लेंगे। समझा रहे हैं, तुम्हारे भेजे में समझ में नहीं आ रही है, कुछ बोल रहे हैं। हम कर लेंगे आपस में बात, आप कोने जाओ यहां से। कर रही थी ना, अभी बोल रहे हैं, अभी कर रही थी। तुम ना चुप रहो, समझे? करेगी क्या तुम? बोल जा रहे हैं, हाथ कैसे चला रहे हो? अभी लात उठाएगा, समझ नहीं आ रहा तेरे को? समझ नहीं आ रहा लड़की पे हाथ उठाने का, समझ नहीं आ रहा। हट चुप, साइलेंट रहो, इतना बोल रहा हूं उतना सुन पा ले। संडे को इधर आ, तू बजा। कौन सा कॉलेज होता है संडे को? तो सुबह सुबह कौन सा नशा कर रखा है? बोले क्या तेरे गाल फुलाऊं मैं? हैं कौन सा कॉलेज होता है बता, कौन सा कॉलेज होता है? मुँह भड़का दूंगा यहीं पे, झूठ पे झूठ बोली जा रही है। मैं तेरा बाप नहीं हूँ कि मैं सुनूंगा पूरा। क्या कर रही है वे, बोल जल्दी। कहाँ गई थी तू अभी, ये बता? तेरे मुँह से बात आ रहा है। कौन है ये, क्यों? तुम्हारे भलाई के लिए ही बुलाया है। आ रहा है तुम्हें, कोई डरा रहा है तो बताओ, कौन जबरदस्ती कर रहा है तुम्हारे साथ? बोल, कुछ पूछ रहे हैं? चोट लगी है मेरे। कैसे चोट लगी है? एक चोट का तो निशान नहीं है, अरे एक खरोंचा हुआ है। क्या तो पता क्यों नहीं बता रही है सब बात जो भी तेरे चलता है? झूठ क्यों बोल रही है तू? कॉलेज के नाम से कहाँ जाती है? घर से तो बोल के जाती है। क्या कर रही है पता है? तो दोस्त के घर जाती है। कौन सी दोस्त है? बुलाओ उसको। वो मेरी फ्रेंड है, बुलाओ। कौन है? क्या नाम है उसका? तुम्हारा फ्रेंड करता क्या है? साक्षी। क्या करती है वो तुम्हारे साथ बता? तुम्हारे कॉलेज में होता नहीं? मैंने टीचर से पूछा है, तुम्हारी क्लास में कोई साक्षी नाम की लड़की नहीं है। आज तू संडे को तू बोल के गई कि कॉलेज, कहाँ गई थी बता? वो मेरी फ्रेंड है ना, उसके पास जाना था। तो तुम्हारी क्लास की तो है नहीं वो, हमने कॉलेज में पता किया है, साक्षी नाम कोई लड़की नहीं है। वो करती क्या है पहले बता? झूठ क्यों बोल रही है? सच बोलो बेटा, अभी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी नहीं तुम्हारी। बोल जल्दी, अपने बाप से तो सही बता दे, हम लोग गए रहते रे। वो कुछ बेचती है। अंकल इतना प्यार करोगे ना तो ये नहीं सुधरेगी। क्या बेचती है बेटा? ठीक है, ज्यादा प्यार भी औलाद को खराब कर देती है। तू इनको बाप नहीं समझती है, इनको तू एटीएम कार्ड समझती है। जब चाहे जी चाहे पीन दाबती है, पैसे निकालती है। अरे इकलौती है, इकलौती का फायदा उठा रही है तू, ठीक है ना। तू का पढ़ लिख ले, कुछ बन जा, नाम वाम हासिल कर ले। बता ना तेरा दोस्त क्या करता है? वो कुछ बेचती है, कुछ। तू अपनी जिंदगी बर्बाद, क्या ब्राउन कलर का, वो भी नशा वशा करती है। तुमने बताया क्यों नहीं हमें? किसी को बताया ये बात? टीचर को बोली ये बात? तो मुझे कॉलेज के बाहर मिली थी तो उसने बोला आ गया ना। बस बाप से बढ़ के वो गई, वो कोई 10 रुपए की चॉकलेट खिलाएगा चलेगी? मेरे को चाहिए होती है। फिर क्या चाहिए? क्या चाहिए? लत लग गई तेरे को। कॉलेज सब बंद कीजिए, कहीं नहीं जाना। क्या चाहिए होती है बता? बता बेटा, मारेंगे नहीं। तू बता। वो ब्राउन कलर का बेचती है, कुछ पाउडर सा। तो तू यूज करती है उसे? कब से यूज कर रही है? तेरे हाथ काँप रहे हैं अभी भी। कब से? 2-3 महीने हो गए हैं। 2-3 महीने हो गए। पापा को बताइए। आपने ध्यान नहीं दिया अंकल, मैं तभी तो नोटिस कर रहा हूँ। 10-15 दिन से मेरे को डाउट हुआ, तभी मैंने इसको पकड़ा आज। हैं पप्पी, एक सोने की चैन गायब हुई है। सोने की चैन भी तूने चुराई है ना? चैन तूने चुराई ना? मेरे को भी पैसे चाहिए पापा। ठीक है, पैसे देंगे, उसको बुला ले। हो गया है भाई संजू वाला हाल, ठीक है, मर जाएगी, बचा लो अंकल आप इसे, ठीक है बेटा। इसको कहीं लेके चलो अंकल, आप बचा लो इसे, ठीक है भैया। इनमें थोड़ी मदद करो इसको, अच्छे किसी डॉक्टर के पास ले चलो इसको। नहीं है डॉक्टर के पास जाना है। तू कहाँ जाएगी? कहाँ जाना है? वो वहीं डॉक्टर साहब देंगे, डॉक्टर साहब देंगे, डॉक्टर साहब देंगे। क्या चाहिए रे? मेरे को पैसे। डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास देंगे, डॉक्टर साहब देंगे। वो चुप जा, डॉक्टर साहब देंगे। क्या लग रही तुझे? मेरे को नहीं जाना डॉक्टर बेटा। आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। पागल है तू। हालत देख कैसे थरथर कांप रही है। इतनी तो सर्दी नहीं, गर्मी में थरथर कांप रही है बेटा। कहाँ कहाँ इसको लेकर जाती होगी? इसके फ्रेंड इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। कुछ और भी किया है तो बताओ। नहीं वो तो बैठ इधर इधर बैठ बैठ क्या बैठ के बाद सही सही बताने तो बहुत मारूंगा तुझे। बोल। बस वो कुछ ब्राउन कलर का घोलते हैं पानी में, उसे गर्म करते हैं और इंजेक्शन में ले लेते हैं। इंजेक्शन ले रही है, कब से कर रही है? 2-3 महीना बोला तो। क्या घर में करती है बाहर भी करती है जाके? घर में आपने सब ध्यान नहीं देते हो, आप नहीं देते हो तो ऑफिस करती है। गलती आप में भी है अंकल, अरे ऑफिस करते हैं बाहर में जाए, एक लड़की है बात है तो ध्यान देना चाहिए। मेरे को कुछ डाउट हुआ जब पैसे चोरी होने शुरू हुए, फिर सोना चोरी हुआ, तब मुझे इस पर शक हुआ। एक औलाद है अंकल, पैसा क्या करोगे अगर सब इसी के तो। देख लिया पैसा भी जा रहा है और इज्जत भी जा रही है, क्या करेगी पैसे लेकर? पैसे लगते हैं उसके तो क्या किस लिए चाहिए बेटा? पागल समझ में नहीं आ रहा तुझे, हालत देख कैसे कांप रहे पैर। सीधी बैठ, क्या कर रही है तुझे समझ है? क्या कर रही है? अभी 3 महीने पहले तब जब तक मम्मी थी तब तक तो सब ठीक था। जो ये सब दिलाते उसका नंबर नंबर फोटो तो रखी है ना, देखो कुछ भी नहीं है। फ्रेंड और ये अभी दूसरा मोबाइल लिया है, नंबर नंबर कुछ नहीं। 10 दिन पहले तुमने एक मोबाइल चेंज किया, कैसे हुआ तुम्हारा? वो कॉलेज के बाहर ही आती है मुझे लेने, तो उसका फोटो तो कुछ नहीं रखी है, वो नहीं लेने देती। उसको पहचान सकते है ना, अरे वो इससे ज्यादा स्मार्ट होगी ठीक है। और नंबर ब्लॉक मार दिया, इसके मोबाइल में नंबर तक नहीं है उसका, साक्षी नाम से कोई नंबर नहीं है। डॉक्टर एक काम कीजिए, बाहर चलो, हमारी गाड़ी है, हमारे साथ जो आदमी है आपको लेकर जाएंगे ठीक है। चल डॉक्टर ले चलें, इनको डॉक्टर के लेकर चलते हैं ठीक है। डॉक्टर चल सही हो जाए, मुझे डॉक्टर के जाना, बेटा डॉक्टर के जाना नहीं जाना पड़ेगा, वेट कर रही है मेरे को उसी के पास नहीं जाना। इसका मोबाइल दे दो, आप मोबाइल दो पहले बेटा, अपना मोबाइल दो। नहीं डॉक्टर के पास चलना, डॉक्टर के पास जाना है तेरे को नहीं ना, बैठो भाग रही उधर लेकर। गाड़ी यहीं बुला लो जी, आप गाड़ी अंदर ही बुला लो, बहुत मारूंगा तुझे। बैठ बेटा बात सुन ले, सब लत 2 मिनट में छोड़ा दूंगा तेरा ठीक है ना। मैं लेकर आ रहा हूँ, गेट तक लेकर आइए, मैं गाड़ी लेकर। चलो अंकल आप